हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक एंड मॉडर्न साइंस। फ्रेंड्स, टुडे वी आर अगेन विद भिक्षु ब्रह्मानंद विवेचन जी। एंड इन द प्रीवियस एपिसोड वी हैव टॉक्ड अबाउट चैतन्य और कॉन्शियसनेस। नाउ इन दिस एपिसोड देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड विच इज बेस्ड ऑन द फोर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जीवन के चार आयाम होते हैं और जिसकी चर्चा हिंदुइज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी है और मेरे ख्याल से हर धर्म में है। हो सकता है शब्द अलग हों मगर ये जो चार आयाम हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे, चार जीवन के आयाम। तो सबसे पहले प्रश्न, दो प्रश्न से मैं स्टार्ट करूँगा। पहला प्रश्न ये कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसका अर्थ क्या है, ताकि आगे उन आयामों को हम समझ सकें। क्योंकि जब तक अर्थ क्लियर नहीं होगा, जब तक वो समझ में चीजें नहीं आएंगी। और इसके अर्थ के बाद जीवन में इनका इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। क्योंकि जब तक सिग्निफिकेंस हमें समझ में नहीं आएगा, इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगा, दीज थिंग्स कैन नॉट बी फॉलोड, फॉलो नहीं कर पाएंगे लोग। तो महाराज जी, एक तो इसका अर्थ क्या होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और जीवन में इसका इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है जी? आपने ठीक ही पूछा कि जीवन के चार आयाम हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये बहुत प्राचीन परंपरा से सोच चल रही है लोगों की। तो यहाँ पर मतलब इसका यह हुआ, धर्म माने प्रकृति, स्वभाव, नेचर, जो जीवन के चार तीनों आयाम जो आ गए, जीवन को चाहिए अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो अर्थ है, अर्थ का धर्म स्वभाव क्या है, अर्थ का धर्म क्या है, लोगों ने इसको डायरेक्ट चौथा आयाम पार्ट जोड़ दिया, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म क्या है, धर्म को नहीं जाना, फिर अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, इनको अलग अलग व्याख्यांकित करके ही जाना जा सकता है इसका मतलब क्या है। तो धर्म से अभिप्राय हुआ जो प्रकृतिगत व्यवस्था है, उसमें किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का एक स्वभाव है, उसकी एक प्रकृति है। तो उस प्रकृति को जानना, जैसे जीवन के लिए पहला ही आयाम शुरू हो जाता है, वह है अर्थ। जीवन अर्थ के बिना जीवन निस्सार सा हो जाएगा, चला ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर अर्थ से आजकल हम सोचेंगे तो जैसे अर्थ प्रधान युग है, तो अर्थ प्रधान युग का मतलब हो गया कि यहाँ पैसे से सब काम चलता है। तो पैसा, पैसा तो नहीं कोई खाता है, पैसे से वस्तुएं ली जाती हैं जिनका उपभोग किया जाता है। इसलिए उसका जो अर्थ का धर्म क्या है, अर्थ का स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, तो हमने जाना कि अर्थ जो है, तो जीवन के लिए जो अर्थ की बात आई, तो अर्थ माने बताया कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हमें कम होंगी तो भी परेशानी होगी, ज़्यादा होंगी तो भी परेशानी होगी, लेकिन हमें जितनी ज़रूरत है, वास्तव में उनका, उनकी प्रकृति क्या है, वो किस लिए हैं, तो हम उसको उचित मात्रा में जब हम उनका उपयोग करते हैं तो वह संतुष्टि देता है। कम होगा तो असंतोष होगा, और ज़्यादा होगा तो भार अलग से बन जाएगा और संतुष्टि दूर होती चली जाएगी। जितना ही ज़्यादा हम किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तो उसकी मांग बढ़ती है, मांग में हम उसकी दुरुपयोग में भी मांग बढ़ती है और उपयोग में भी मांग बढ़ती है, लेकिन सदुपयोग में मांग नहीं बढ़ती है, सदुपयोग में संतोष होता है और वह उसकी एक सीमा है। तो इसलिए जीवन के लिए पहली चीज़ है अर्थ। तो अर्थ क्या स्वभाव है कि जीवन के लिए, जीवन जीने में बड़ा उपयोगी है। अब जब आपको सारी चीज़ अर्थ के स्वभाव का पता लग गया, तो जीवन में जो भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम उतना ही उसका उपयोग करेंगे जितना हमारे लिए आवश्यक है। हाँ, अब उसके बाद में दूसरी बात आती है काम, अर्थ, काम। काम से मतलब है भोग। तो जो भी हम भोग भोगते, क्या भोगते हैं, जो हमें प्रियकर लगता है, जहाँ जहाँ हमें
एक बहुत बढ़िया शब्द है, जहाँ जहाँ हमें मज़ा आता है, तो सुनने में मज़ा आता है, देखने में मज़ा आता है, चखने में मज़ा आता है, गंध लेने में मज़ा आता है, तो इन ऐसी चीज़ों में जो मज़ा आता है वह मज़ा प्राकृतिक होना चाहिए। यानी वो जो अच्छा लग रहा है, जो इसी में एक सील आता है, कामेश मिच्छाचारा वेरमणि सिक्का पदंग समाधियामी, तो लोग उसका अर्थ करते हैं कि मैं व्यभिचार करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया, वहाँ कहा गया कामेश। कामेश का मतलब होता है प्रिय लगने वाला, जहाँ जहाँ मज़ा आता है। तो कामेश मिच्छाचारा मिथ्या आचरण, यानी अननेचुरल वर्क, हम वहाँ पर जो प्रकृति पदार्थ है हम उतना ही उसका उपयोग करेंगे, उससे कम भी नहीं, उससे ज़्यादा भी नहीं, तो हमें वहाँ संतोष मिलेगा। कम होगा तो संतोष नहीं, ज़्यादा होगा तो संतोष नहीं। तो जब हमने सारे भोग प्राप्त कर लिए तो फिर अब क्या बचेगा, जब कुछ चाहिए नहीं तो बचा क्या। तो यहीं पर यही आ जाता है अगला आयाम, मुक्ति, मोक्ष। जब कुछ चाहिए नहीं तो कहीं आना न कहीं जाना, कोई इच्छा नहीं रही, कोई इच्छा रहित व्यवस्था को ही तो मोक्ष। अभी जैसे इच्छा रहित बात आई, जब तक यहाँ पर यह कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जीवन के चार आयामों के बारे में लोग जो है धर्म को इन्हीं चारों आयामों में जोड़ देते हैं। धर्म के अभिप्राय यहाँ पर मैंने बताया कि उसकी प्रकृति, स्वभाव, नेचर। तो हमको धर्म के बाद क्या आया, अर्थ। तो अर्थ का नेचर क्या है, अर्थ की प्रकृति क्या है, अर्थ का स्वभाव क्या है। तो अर्थ हमें जीवन जीने के लिए जो है उपयोगी है, जीवन में बहुत आवश्यकता है, अर्थ के बिना जीवन बड़ा दुभर हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो सब अर्थ में आता है। फिर काम आया, काम प्रिय लगने वाला, काम कहाँ कहाँ से काम करते हैं, तो हमारी ये जो पाँचों इंद्रियाँ, पांचों इंद्रियों पर इनका विषय है, इनके विषयों पर जो चिंतन करते हैं तो वो चाहत में करते हैं, तो जहाँ जहाँ अच्छा लगता है अब वो करते हैं। लेकिन अच्छा लगने के लिए एक तरीका यह है, जैसे आपको भूख नहीं लगी और ज़ुबान को कोई टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो आप उसको भोगेंगे, और उसकी ज़रूरत नहीं है तो अननेचुरल कोई उपयोग ना करें, उसके नेचर को जान करके उतना ही उसका प्रयोग करें जितनी उसकी आवश्यकता है। मतलब यदि कुछ चीज अननेचुरल है तो वो अधार्मिक हो गई, उसको यूं कहेंगे अधार्मिक हो गई, अधार्मिक हो गई ना। तो धर्म की ठीक से परिभाषा नहीं जानने के कारण जो धर्म का वाद विवाद है, तो धर्म को चलाने के लिए उसमें कुछ वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको कुछ कहना है और लोगों को दिखाना भी है, तो हमने एक ब्लैक बोर्ड लगाया, ब्लैक बोर्ड पर हमने लिख दिया तो वो देखा भी जाता है, सुना भी जा रहा है, तो डबल काम हो गया। उसी प्रकार से धर्म में आपने देखते हैं जितने भी धर्मों की बात आती है वहाँ पूजा पाठ है। पूजा पाठ का मतलब मैंने बताया कि पूर्ण जानकारी, पूर्ण जानकारी करना करने के लिए धर्म को इस्तेमाल किया। तो धर्म किसका धर्म, तो कोई भी मनुष्य है, कोई भी प्राणी है, कोई महापुरुष है, उसके बारे में जाने, उसका पूजा पाठ करने का मतलब उसके बारे में जाने, तो उसके सद्गुणों को आचरण में लें, दुर्गुणों को देख करके अपने अंदर के दुर्गुण निकालें और उसके दुर्गुणों का चिंतन करें, लेकिन उसको तुरंत अपने अंदर के दुर्गुणों को देखें। सद्गुणों को, अगर उसके सद्गुण दिखाई पड़ते हैं तो उन सद्गुणों को धारण करें और जो हमारे अंदर हैं उनको हम सुरक्षित रखें। इसलिए हम उसका दीपक प्रयोग करते हैं, किसी भी पूजा में हम प्रकाश का प्रयोग करते हैं, तो प्रकाश का मतलब वह जो जिसकी हम पूजा करते हैं उसका ज्ञान रूपी प्रकाश, और हमारे हम नहीं जानते हैं तो यह अज्ञानता रूपी अंधकार हुआ, तो अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने के लिए हम प्रकाश करते हैं, यानी दीपक जलाते हैं पूजा में। तो दीपक तो जला रहे हैं लेकिन उसके ज्ञान की जानकारी नहीं है, तो दीपक जलाने से थोड़े उजाला हो जाएगा, वो एक प्रतीक है, प्रतीक है, प्रतीक के तौर पर हम उसको प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे पूजा में हम गंध प्रयोग करते हैं, तो गंध प्रयोग करने के लिए धूप बत्ती जला दिया, अगरबत्ती जला दिया, यानी गंध। तो गंध दो प्रकार की होती है जी, गंध दो प्रकार की होती है, एक दुर्गंध और एक सुगंध। तो गंध दो प्रकार की हो गई, तो पूजा में हम सुगंध का प्रयोग करते हैं, अर्थात जिसके सामने हम वो सुगंध जला रहे हैं उसके सद्गुण रूपी सुगंध को हमें ग्रहण करना है।
और दुर्गंध को धारण नहीं करना है, कि दुर्गंध माने दुर्गुण और सुगंध माने सद्गुण। तो दुर्गंध तो हमारे पास भी बहुत, हमारे अंदर तमाम दुर्गुण हैं, तो हम उन दुर्गुणों को दूर करने के लिए हमको चाहिए, जहाँ सुगंध जला दोगे दुर्गंध अपने आप चली जाती है, जैसे प्रकाश कर दो तो अंधकार अपने आप भाग जाता है, उसी तरह से हमें सुगंध के द्वारा उसके सद्गुणों को धारण कर लीजिए तो अवगुण अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से तीसरी चीज आती है फूल। फूल पूजा में प्रयोग होता है, तो पूजा में फूल केवल एक ही लगता है, और एक फूल पूजा में लगता है, और वो भी स्वयं से तोड़कर, बाजारू फूल नहीं लगाए जाते हैं, टूटे हुए फूल नहीं लगाए जाते हैं, पूजा में एक ही फूल लगता है और स्वयं से तोड़कर चढ़ाया जाता है। तो जिस महापुरुष को हम फूल पूजा में लगाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि अभी हमने फूल को तोड़ा तो इसका जीवन यहीं से रुक गया, अब ये जीवित नहीं रहेगा, जीवन इसका खत्म होता जाएगा, तो इसकी जो सुंदरता है वो बदसूरती में बदल जाएगी, और जो खुशबू है वो बदबू में बदल जाएगी। तो हे महापुरुष, हे भगवान, मैंने भी आपके जो सद्गुण धारण किए हैं, इसी क्षण अगर इसी क्षण नहीं लेता हूँ तो मेरे जीवन का क्या भरोसा, सांस आवे नावे करार क्या है। तो इसीलिए फूल को का निमित्त है, फूल उसका निमित्त बन गया कि फूल की तरह जैसे हमने इसके जीवन को ख़त्म कर दिया, अब इसकी सुंदरता और सुगंध जो है वो बदसूरती और दुर्गंध में बदल जाएगी, इसी तरह से यह जीवन भी क्षण क्षण नष्ट हो रहा है। तो इन सद्गुणों को धारण करने से इस जीवन का सदुपयोग हो जाए, इसलिए हम पूजा को पूजा में फूल चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उसके बाद वनस्पति लगाते हैं, किसी न किसी प्रकार की वनस्पति लगाते हैं। तो वनस्पति का मतलब, वनस्पति हमको जीवन देती है, इसलिए हमें उचित मात्रा में जीवन को बनाए रखने के लिए हमें ऑक्सीजन की बड़ी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन सारी वनस्पतियों से मिलती है, तो इसलिए पूजा में वनस्पति लगाते हैं और उसको समय से पानी देते हैं, देख रेख करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पानी, पूजा में पानी बड़ा ज़रूरी होता है, जैसे मूर्ति को नहलाते हैं या पेड़ वनस्पति पर चढ़ाते हैं, तो पानी जो है वो अपनी समझ में जो सबसे ज़्यादा शुद्ध और पवित्र है हमारी पहुँच में, हम उस पानी को पूजा में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पानी से अभिप्राय होता है कि आपकी पूर्ण जानकारी तभी सफल होगी, पूजा तभी सफल होगी जब आपका मन पवित्र है और शांत है। अगर आपका मन शांत नहीं या अशांत है तो आपकी पूजा असफल हो जाएगी, और आपका मन शुद्ध नहीं है, इधर उधर की बातें सोच रहा है, तो भी पूजा सफल नहीं होगी। इसलिए पूजा में पवित्रता यानी शुद्धता चाहिए और शांति चाहिए। तो पानी का स्वभाव है शीतल है और शुद्ध है, इसलिए पूजा को पानी पूजा में प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हमें पूजा करने के जो विधि विधान हैं, और होता है पूजा में नारियल भी चढ़ाते हैं। नारियल इसलिए चढ़ाते हैं कि नारियल में जितने बाल होते हैं ये सब अज्ञानताएं हैं, कोई आदमी अपनी अज्ञानताओं को जब दूर कर पाता है तो उसके अंदर एक करुणा पैदा होती है। जैसे कोई महिला जब माँ बनती है, कोई पुरुष जब पिता बनता है, तो उसकी जीवन शैली अलग हो जाती है। ठीक इसी तरह से जब हम नारियल के तोड़ते हैं तो कहते हैं नारियल तोड़ना शुभ है, तो क्या शुभ है, जब हम अपनी अज्ञानताओं से फुर्सत पाते हैं, अपनी अज्ञानताओं को ख़त्म कर पाते हैं, तो हमारे अंदर एक करुणा भावना पैदा होती है कि जितना हम परेशान थे समाज के लोग उतना ही परेशान हैं। अब हमें वो सुख मिलता है जो अज्ञानता जाने पर, जैसे अंधकार मिटने पर प्रकाश का सुख मिलता है, उसी प्रकार अज्ञानता के मिटने पर सुख का, जो ज्ञान का सुख मिलता है, अनुभव का सुख मिलता है। तो मन में होता है कि इसी तरीके से सारे लोग परेशान हैं, काश ये सुख इन लोगों को भी मिले, तब वह उसकी करुणा जो है वो समाज पर जाती है, अपनी ही तरह सारे समाज को सुखी बनाना चाहता है। तो होता क्या है, जब उसके जटाएं ख़त्म हुई तो वो खोपड़ा मिला, खोपड़ा क्या है, समाज है, समाज को बदल देने में ही वो सारा सुख समाया हुआ है। जो हमने सुख पाया, ये समाज को पूरा सुख मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम समाज को बदलने की बात करते हैं तो समाज हम ही को तोड़ देना चाहता है, तो समाज का बदलना बहुत कठिन है, लेकिन नारियल टूटने पर मीठा पानी मिलता है, मीठा गुदा मिलता है। इसी प्रकार से
हमारा सुख सारे समाज को मिल जाए, ये करुणा भावना पैदा होती है। तो नारियल तोड़ना शुभ है, जैसा हमें ज्ञान मिला है सबको मिल जाए बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हो जाए तो बहुत ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं नारियल तोड़ना शुभ है। और इसी तरीके से आपने देखा पूजा में फल लगते हैं जी। तो फल कितने लगते हैं? पांच प्रकार के, जैसे हमारी पांच इंद्रियां हैं, तो उसी प्रकार से पांच फल पूजा में लगते हैं। और हर फल का स्वभाव अलग है, हर फल का धर्म अलग है, रंग रूप अलग है ना। तो उसी तरीके से हमारे अंदर ये जो पांच इंद्रियां हैं, इनका स्वभाव अलग अलग है और इनके काम अलग अलग हैं। तो ये इनकी प्रकृति स्वभाव इनके धर्म को जानकर हमको उसका उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना जरूरी है। जहाँ से संतुष्टि मिलती है, कम होगा तो भी आप असंतुष्ट रहेंगे, ज़्यादा होगा तो भी आपकी संतुष्टि नहीं आएगी और प्यास बढ़ेगी। इसलिए जीवन के लिए ये चार आयाम कि पहले हम धन का धर्म जाने, फिर काम का धर्म जाने, और फिर मुक्ति का धर्म जाने, मोक्ष का धर्म जाने। मोक्ष का धर्म क्या है, स्वभाव क्या है? जहाँ से जन्म मरण रुक जाए, नहीं तो जन्म मरण चालू रहेगा। अज्ञानता में आप मरेंगे तो कुछ न कुछ चाहत होगी, अब पता नहीं है वो चाहत आपके लिए आवश्यक है नहीं आवश्यक है, लेकिन आप क्या लगाओ बना होगा, जैसे भोगों में लगा रहता है। तो भोगों का स्वभाव नहीं जानने के कारण आदमी अधिक से अधिक भोगों में फंसा रहता है, तब तक स्वयं ही समाप्त हो जाता है। तो वो भोगने चलता है, पता लगता है कि इंद्रियां ही उसे भोग डालती हैं, हम विषयों में ही भोगते भोगते समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये जीवन के चार आयाम बड़े आवश्यक हैं, इनके जाने बिना हम शांत नहीं रह सकते, हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन मोक्ष के लिए तमाम ललायित लोग हैं, हमें मोक्ष मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए। लेकिन मोक्ष कैसे मिल जाएगा जब आप जीवन ही नहीं जी पाए हैं, अधूरा जीवन है आपका, आपके मरते दम तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। तो इसलिए नहीं पूरी होती कि आप धर्म से नहीं जीवन जिए हैं, आपका जीवन अधार्मिक रहा है, अननेचुरल रहा है। नेचुरल अगर आप जीवन जीते तो आपको इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। जैसे वर्तमान में एक उदाहरण से समझें, हमको एक नौकरी मिल गई, नौकरी बेरोजगारी मिली तो नौकरी मिली बड़ी खुशी हुई, लेकिन जब खुशी हुई तो जिसके लिए नौकरी करना है, नौकरी से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, पैसे से हम भोग भोगेंगे। तो जितने भोग भोगने हैं उतना ही पैसा कमाइए ना, ये थोड़ी कि आपको 60 साल तक के लिए मिला चांस, तो आपको अगर 40 में पूरा हो जाता 40 में छोड़ दीजिए ताकि दूसरा कोई कमा सके। अब आप 60 साल तक लगे रहोगे तो आपके पास अतिरिक्त आएगा, अतिरिक्त आएगा तो उसको संभालते संभालते परेशान हो जाओगे और आपकी इच्छाएं अधूरी रहेंगी। फिर भी आप एप्लीकेशन लगाओगे, 2 साल और दे दो मुझे जी। अब तुम्हें ये पता नहीं है कि 2 साल अगर तुमको दे दिए जाएंगे तो अगर ये एक नियम होता है तुम्हारी ही जगह तुम्हारा बच्चा लगा दिया जाएगा, तो जब 2 साल तुम ले लोगे तो और एज हो जाएगा। तो तुमने अपने सुख को सुखी बनाने के लिए कितने का जीवन बर्बाद कर दिया। और अगर 5 साल पहले तुम नौकरी छोड़ दो तो कितने लोगों का जीवन आपने बचा लिया। तो ये जब आपको धर्म से आप जीवन जिएंगे तो आपको दूसरे का सुख दुख पता लगेगा। तो जीवन जीने का ही मतलब है जियो और जीने दो। तो जियो और जीने दो का मतलब आप जियो, लेकिन दूसरे के जीवन के लिए बाधक मत बनो। तो आप भी सुख से जियो, वो भी सुख से जिएगा, न कोई ले जा रहा है, न कोई लाया था, न कोई ले जाएगा। इसलिए संतोष पूर्वक जीवन है। तो जिस दिन आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष का स्वभाव पता लग जाएगा, उसका नेचर पता लग जाएगा, सारे बवाल खत्म हो जाएंगे और मुस्कराते हुए सुख पूर्वक मर सकेंगे। सारी जिंदगी कमाते रहे और एक बीमारी से सारा दिन खर्च हो गया तो बीमारी आई कहाँ से, क्योंकि उनको जीना नहीं आया। इसलिए ये समस्याएं आती हैं। तो आज की चर्चा में हमने ये जो जीवन के चार आयामों के बारे में बात किया, तो मूल आयाम तो 3 हैं जी, भोग है, मोक्ष है, और क्यों काहे से भोगेंगे तो धन चाहिए जी। तो अर्थ काम और मोक्ष, इनके धर्म को जानना है, इनके धर्म, इनके स्वभाव को जानना है ना। इसलिए वो चार आयाम कहे गए हैं। चार आयामों का मूल विषय है धर्म, धन का धर्म, काम का धर्म और मोक्ष का धर्म, है ना। तो इस तरीके से इस संक्षेप में हमने आपको एक जानकारी समझे या यूं समझे कि एक शिक्षा देने का प्रयास किया। और अगर कहीं से कोई शंका बनती है तो हमें भी इंगित करें, हाँ बिल्कुल हमें बताएं।
तो और दूसरा रास्ता ढूंढा जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप सबके लिए मंगल कामना करता हुआ आज इतना ही, धन्यवाद आप सबके लिए। तो फ्रेंड्स, आपने सुना, चर्चा सुनी आपने कि जो चार आयाम हैं जीवन के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो महाराज जी ने कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन तीनों के की प्रकृति को जानना और उस प्रकृति के अनुसार चलना ही जीवन को सफल बनाएगा। यही धर्म है, ठीक है। सो टू नो, टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ लाइफ, ओके, इज व्हाट धर्म इज, एंड फॉलोइंग द ट्रू नेचर ऑफ लाइफ, द ट्रू नेचर ऑफ एवरीथिंग, एंड वी कैन सक्सीड इन आवर लाइफ, ओके, एंड ओनली देन वी कैन गो टूवर्ड्स, वी कैन मूव टूवर्ड्स द मोक्ष। मोक्ष मीन्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ नॉन डिजायर, ओके। सो दिस इज वॉट महाराज जी हैज सेड अबाउट मोक्ष। मोक्ष मीन्स बींग विदाउट डिजायर, टू लिव विदाउट डिजायर, ओके, एंड सो दैट वी कैन कम टू नो द ट्रू नेचर ऑफ एवरीथिंग। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। होपफुली यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड all these things, okay, which have been discussed in this dialogue.